हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो कि है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो यह वीडियो जो है किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, यह वीडियो इम्पोर्टेंट होगा नीट के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए, 11th और 12th की क्लासेस में जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। जो लोग जो है टीचर इंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। IAS PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हमारा जो पहला यूनिट है इसमें है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में हमें जो है 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। लिविंग वर्ल्ड के बारे में पहले तो हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, और उसके बाद जो है कि लिविंग एनिमल किंगडम। तो व्हाट इज लिविंग पे आ जाते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है व्हाट इज लिविंग है, ठीक है। तो जो लिविंग वर्ल्ड होता है उसको हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यह लिविंग है और यह नॉन लिविंग है। तो यह जो है क्लासिक से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सी चीज़ें लिविंग है और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए भी कुछ मेथड बताए गए हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स जो होती है ग्रो होती है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है ग्रो नहीं होती है। लिविंग थिंग्स जो है रिस्पायर करती है, नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पायर नहीं करती है। लिविंग थिंग्स वाटर को पीती है, नॉन लिविंग थिंग्स वाटर नहीं पीती है। तो ग्रोथ को अगर हम स्टैंडर्ड माने कि लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, वैसे तो बच्चों हम जो है अपने जीवन को जीते जीते यहाँ तक आते ये तो समझ ही जाते हैं कि कौन सी वस्तु लिविंग है कौन सी वस्तु नॉन लिविंग है। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल जितने हैं ये सारे के सारे लिविंग हैं, और बाकी जो डेड वस्तुएं हैं वो नॉन लिविंग में आती हैं। तो लिविंग को लिविंग मानने के लिए कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, आखिर क्या खासियत है। तो जैसे ही कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे के सारे ग्रो करते हैं शेप में, साइज में और वेट में भी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो अपने साइज में ग्रो होते हैं सेल डिवीजन के द्वारा, इसी तरह से एनिमल्स भी अपने साइज में इंक्रीज होते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। अमीबा को देखें या बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल, वो भी ग्रो करते हैं डिवीजन के द्वारा। लेकिन हम जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रोथ जो होती है लिविंग की वो इनसाइड से होती है। अगर हम ग्रोथ देखें माउंटेन की या फिर किसी भी वस्तु की कहीं पे ढेर लगी हो, तो वो भी साइज में जो है कि इंक्रीज होता है। लेकिन वो इंक्रीज कैसे होता है, बाहर से कोई वस्तु उठा के ले आके उस पर रखी जाती है, रखते रखते कोई भी ढेर जो है बड़ा होता जाता है। तो वहाँ पे ग्रोथ जो हो रही है बाहर से हो रही है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है। लेकिन फिर भी हम ग्रोथ को स्टैंडर्ड नहीं मान सकते लिविंग और नॉन लिविंग को डिवाइड करने के लिए। हम जो है रिप्रोडक्शन को लिविंग और नॉन लिविंग को डिवाइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं, क्योंकि कोई लिविंग बींग ही दूसरे लिविंग बींग को प्रोड्यूस कर सकता है, और जबकि नॉन लिविंग बींग जो है ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, वो जो है अपने ही तरह के दूसरे प्लांट और एनिमल को प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन को लिविंग और नॉन लिविंग का स्टैंडर्ड मानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे
कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हायर प्लांट्स और एनिमल्स, तो वो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम फंगाई की बात कर लेते हैं, तो यह जो है मल्टीप्लाई होती है बहुत तेजी से, इसके बहुत सारे स्पोर बनते हैं और सभी जो है एक इंडिविजुअल फंगाई को बना देते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म को देखें, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, तो इनमें रिप्रोडक्शन जो है बडिंग के द्वारा हो जाता है। प्लेनेरिया जो है फ्लैट वॉर्म है, इसके अंदर जो है वी ऑब्जर्व द ट्रू रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म से जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फंगाई में देखें तो फंगाई हो गए, चाहे फिलामेंटस एल्गी हो गए, इनमें प्रोटोनिमा ऑफ द मॉसेस बनते हैं और जो कि इजिली मल्टीप्लाई करते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि एल्गी और जो ईस्ट हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन होता है, हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नए एल्गी और फंगाई को जन्म दे सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, hence we notice that the single cell organism, we are not very clear about the use of the these two terms, growth and reproduction. अच्छा ठीक है, तो अनदर करेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग और नॉन लिविंग को डिवाइड करने का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग, बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन, are constantly being made and changed into the some other biomolecule. These conversion or chemical reaction or metabolic reaction. There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism. चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर ये बात करें कि जो केमिकल्स होते हैं जिनसे कि बने होते हैं, जिनसे कि कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, तो इसको हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को डिवाइड करने के लिए। इसी तरह से कॉन्शियसनेस जो होता है वो लिविंग बींग में ही होता है, नॉन लिविंग बींग में कॉन्शियसनेस तो होगा नहीं, तो इसलिए कॉन्शियसनेस भी जो है लिविंग बींग का कैरेक्टरिस्टिक है। When it comes to the human being, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in the coma in the hospital, virtually supported by the machine which replaces heart and lung. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness, or such patient are never come back to the normal living or non-living. In higher classes, you will come to know that all the phenomenon, living phenomenon, are due to the underlying interaction properties of tissue, are not present in the constituent cells but arise as a result of the interaction among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organism are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle. तो ये तो चीजें इसमें से कुछ पूछता नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि लिविंग वर्ड क्या है, हमारा जो पहला चैप्टर था लिविंग वर्ड, तो लिविंग वर्ड को कैसे आप कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइज कर सकते हैं, लिविंग को कैसे नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। और आपको क्या समझ नहीं आया उसको कमेंट करके जरूर से बताइए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब जो है कि लिविंग का क्राइटेरिया डिसाइड हो गया, तो अब हम देखेंगे कि जो लिविंग वर्ल्ड
वर्ल्ड है उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, तो आप सबको पता है कि हमारी जो धरती है वो फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अगर एक आप फ्रूट की बात करिए तो फ्रूट में देखिए कितनी सारी वेराइटीज हमारे अर्थ पे है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो कितनी सारी वेराइटीज हैं फ्लावर की। इसी तरह से क्रॉप प्लांट्स की बात करें या और फिर अगर हम लिविंग में आ जाते हैं तो यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक के बीच में कितनी वेराइटीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो हमारी धरती जो है वो क्या है, फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। जितने भी आज तक हमने नंबर ऑफ स्पीसीज जिसको हम जानते हैं डिस्क्राइब रेंज है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियंस। दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी। यह जो है किसमें आती है, बायोडाइवर्सिटी आर द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो ये जो है डाइवर्सिटी है कि इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है। और यहाँ पे ये भी बातें हैं कि हर एक प्लांट और एनिमल का जो होता है जिस एरिया में होता है उस एरिया में उस प्लांट और उस एनिमल का एक पर्टिकुलर नेम होता है, उसको हम उस प्लांट और एनिमल का लोकल नेम कहते हैं। वही प्लांट या एनिमल जो है किसी और कंट्री में जाएंगे तो उसका नाम जो होगा कुछ और ही होगा। एनिमल तो सेम होगा, प्लांट तो सेम होगा, लेकिन उसका नाम कुछ और होगा। तो यह जो समस्या थी इससे निपटने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें कि है बोटेनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम। बोटेनिकल नेम दिया जाता है प्लांट्स को और जूलॉजिकल नेम दिया जाता है एनिमल्स को। तो जितने भी कंट्रीज हैं और जितने भी साइंटिस्ट हैं अगर वो आपस में किसी एक प्लांट की बात करते हैं तो सभी लोग समझ जाते हैं कि किस प्लांट की बात हो रही है। तो इसके लिए नामनक्लिएचर के बारे में सोचा गया कि कैसे इसका नाम दिया जाए, और उसके लिए एक विधि निकाली गई जिसको कि हम लोग बायनॉमियल नामनक्लिएचर कहते हैं। और जहाँ तक आइडेंटिफिकेशन की बात है उसके लिए जो है हमने प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासिफाई किया उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ताकि हमें इन सारी चीजों को समझने में आसानी हो। ठीक है। तो यह जो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामनक्लिएचर है अभी मैंने बता दिया, और ये इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामनक्लिएचर इसकी व्यवस्था की गई ताकि ये आसान हो सके। और आइडेंटिफिकेशन भी इसीलिए किया जाता है कि किसी भी प्लांट और एनिमल के बारे में जानना आसान हो सके। तो यह जो बायनॉमियल नामनक्लिएचर है ये दिया गया था, और इसमें जो होता है जेनरिक नेम होता है और स्पेसिफिक नेम होता है। तो दो वर्ड से मिलकर यह जो है बना होता है, कैरोलस लिनियस ने यह दिया था। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे चीजें जो जाननी है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन द लैटिन रिटन इन द इटैलिक्स, मीन्स कि जो लैटिन में एक देश है वहाँ की जो लैंग्वेज है लैटिन उसी में हम हर एक प्लांट और एनिमल को नाम देते हैं, और उसके बाद उसको लिखते कैसे हैं इटैलिक्स में। जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस का होता है, और सेकंड जो होता है वो स्पीसीज का होता है। बोथ वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटेड अंडरलाइन, मीन्स कि उसको हमेशा अंडरलाइन करके लिखते हैं या इस तरह से इटैलिक्स में लिखते हैं। जैसे कि आप इस तरह से इटैलिक्स में लिख सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं अगर सिंपल लिखा तो, बुक या नोट्स में जब बनाते हैं हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका को अगर देख लेंगे तो मैंगो जो है उसका जीनस हो गया, और मैंगीफेरा और इंडिका जो हो गया कि इंडियन स्पीसीज जो है मैंगो की उसको कहते हैं। यही मैंगो कहीं और भी पाया जाएगा तो उसका जो है स्पीसीज कुछ और भी हो सकता है, इस तरह से हम करते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, जैसे कुछ प्लांट है तो लिविंग वर्ल्ड को पहले तो हम डिवाइड करते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो जितने भी प्लांट हैं तो प्लांट को
सारे प्लांट को हमने एक ग्रुप में रख दिया कि प्लांट है प्लांट है। जितने भी जो प्लांट है जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं और बहुत सारी चीजें जो कि सिमिलर होती हैं, सिमिलरिटी के बेसिस पे ये हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हाँ ठीक है, तो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है उस लिविंग वर्ल्ड को समझने के लिए और आसान बनाने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेंशनल कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स आर एनिमल्स आर। ठीक है, तो हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं कि यह प्लांट है, यह एनिमल है, यह डॉग है, यह कैट है, यह इंसेक्ट है, इसी तरह से। तो इस तरह से आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साइंटिफिक टर्म जो होता है फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। किसी भी एक कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो वो एक टैक्सॉन हो जाता है, या उसको एक टैक्सा हम बोल सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम टैक्सोनॉमी पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी, तो हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। हेंस कैरेक्टरिस्टिक, इस तरह से कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नामनक्लेचर जो है आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, मतलब कि यह कुछ नया नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। ह्यूमन बींग वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द नोइंग मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप एमोंग देम। ठीक है, तो सिस्टमेटिक क्या होता है? द ब्रांच ऑफ स्टडी रिफर टू एज द सिस्टमेटिक। द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स द ऑर्गेनिज्म अरेंज्ड, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, classification. ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ taxonomic categories क्या होती हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है? तो आपको लगभग तो समझ में आ ही गया होगा कि टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, टैक्सॉन क्या है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं। यहाँ पे स्पीसीज क्या होती है कि वो स्पीसीज को हम उसमें रखते हैं, जैसे कि प्लांट की ही दो प्लांट ने, अगर हम एनिमल के केस में समझे तो हम समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई एनिमल है तो उसका मेल और फीमेल जो कि आपस में मतलब कि एक नए ऑफस्प्रिंग को, अपने तरह के ऑफस्प्रिंग को जन्म कर सकता है, दे सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है ना, तो वो जो है एक स्पीसीज में आ जाते हैं। तो स्पीसीज के बेसिस मीन्स कि स्पीसीज होने के लिए डिफिनीशन क्या है, या तो यही चीज होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स के बातें की गई है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका है, सोलेनम ट्यूबेरोसम है, और ऑल थ्री नेम्स इंडिका जो होता है, इंडिका ट्यूबेरोसम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा ये जेनेरा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जीनस होता है, फैमिली होती है, जिसमें कि एक फैमिली में क्या होता है, द नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है फैमिली होती है, हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है,
तो यह जो है कैटेगरीज हैं, टैक्सास हैं, कैटेगरी को ही हम टैक्सा कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ये हम बनाते जाते हैं, जैसे कि स्पीसीज हो गए, जीनस हो गया, फैमिली हो गई, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास आता है, क्लास के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद जो है कि किंगडम आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि हर्बेरियम जो होता है, प्लांट्स को हम सुखा के और उनको ड्राई करके और उनके रिकॉर्ड्स को रखते हैं, तो उससे जो है कि किसी भी पढ़ाने में या फिर जो है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है कि ये कौन सा प्लांट है, कौन सी फैमिली का है, कौन सा उसका जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है और किंगडम क्या है। बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, बोटेनिकल गार्डन वो होते हैं जो कि जहाँ पर कि जो प्लांट्स और एनिमल हैं उनको अच्छी देख रेख में रखा जाता है और वहाँ पे उनको जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि आज के टाइम पे जो फॉरेस्ट हैं वो कटते जा रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे प्लांट और एनिमल की स्पीसीज जो है बिल्कुल भी खो ही जाती है, पता नहीं चलता है। तो बोटेनिकल जो गार्डन होते हैं वो गवर्नमेंट की देखरेख में, उनकी देख उन साइंटिस्ट और वहाँ पे उसकी देखरेख के लिए जो लोगों को रखा जाता है, गवर्नमेंट कर्मचारियों को, तो वो सारे प्लांट्स की देखरेख करते हैं और वहाँ पे कोई बाहरी जैसे घूम तो सकता है लेकिन किसी भी प्लांट को और एनिमल को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो बोटेनिकल गार्डन जो होता है वो प्लांट्स के लिए ही होता है। और बोटेनिकल गार्डन क्यों जो है इंग्लैंड का, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है हावड़ा इंडिया का है, और एट द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। तो ये सारी जगहें हैं जहाँ पे प्लांट्स को सुरक्षित रखा जाता है। म्यूजियम क्या होते हैं, म्यूजियम जो वो प्लेस होता है जहाँ पर कि एनिमल्स को जो है कि ना डेड एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर, तो या तो उनके स्केलेटन होते हैं या तो उनकी बॉडी को कुछ केमिकल्स के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है या उनके एनिमल्स के किसी पार्ट को और उसको केमिकल वगैरह अप्लाई करके रखा जाता है जहाँ पे कि वो ख़राब ना हो, और उसको हम उसके बारे में हम पढ़ते हैं वहाँ पे जाके और समझते हैं। इसी तरह से है जूलॉजिकल पार्क्स हैं। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, जहाँ पे कि एनिमल्स को गवर्नमेंट की देखरेख में रखा जाता है, गवर्नमेंट कर्मचारियों के द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। की जो होता है अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, तो ये तो आपको पता ही है। बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी, द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड द कपलेट। उसके बाद यहाँ पे समरी आ गई कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जरूर से, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।